नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। फ्यूचर कंज्यूमर की बात की जाए तो स्टॉक काफ़ी वीक नज़र आता है और काफ़ी सारा गिरावट देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। मींस काफ़ी ऊपर से स्टॉक गिर के नीचे आया है, काफ़ी सारा डेप्थ ट्रिगरिंग प्रॉब्लम है, बीच बीच में ट्रेडिंग बैन होती हो जाती है स्टॉक के अंदर, जिसके कारण काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स भी फंसे हुए ऊपर के लेवल पे। रिसेंटली यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक में कोई खास अपडेट अभी तक सामने नज़र नहीं आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन उछाल आता है तो बाहर निकलने की राय होगी। आपके एनालिस से पूछ कर आप डिसीजन बना सकते हो, क्योंकि आप अच्छे स्टॉक में निवेश करोगे तो आपका भी टाइम बचेगा और उसी थ्रू यहाँ पे एक अच्छे स्टॉक में निवेश करोगे तो लॉस भी रिकवर हो सकता है। तो रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी वीक स्टॉक है या फिर फ्यूचर कंज्यूमर की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते कि तीनों मूविंग एवरेज है, 100 मूविंग इन 100 डेज का, 50 डेज का, 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है और 1 लेवल के भी नीचे आ चुका है। थोड़ी सी उछाल भी आई थी लास्ट 1-2 महीनों में, पर उस उछाल के बाद स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिली है।